चलाने के लिए कुछ चीज़ें मेन मेन सिखाई जाएंगी और पायलट के साथ थोड़ा वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने चुपके से छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइज मैं भी आपको एरोप्लेन चला के दिखा रहा हूँ, मैंने सीख लिया है। तो गाइज मैं भी कॉकपिट के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। चलिए गाइज ये है यहाँ का कॉकपिट, तो ये है कॉकपिट और ये हमारे सपोर्टर पायलट सनी दिल्ली से, और ये उड़ाने के लिए एक साथ दो लोग उड़ा सकते हैं, एक मिनट का टाइम हमें दिया जाएगा। तो गाइस अभी मैं आपको एरोप्लेन उड़ा करके दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट होने पर कंप्यूटर जब आ जाएगी तो राइट हैंड में स्टार्ट करेंगे इसको। 40, 30, 20, 10 का टाइम मिला है मिनिमम्स। सामने आप देख सकते हैं किलोमीटर एक किलोमीटर के हिसाब से रास्ते बने हुए हैं, तो हमने पीछे के रास्ते से उड़ाया, अब हम सामने उतार रहे हैं। हाथ में जो स्टेयरिंग है उसको दाएं बाएं घुमाएंगे तो दाएं बाएं होगा, और ऊपर नीचे करेंगे तो हवाई जेट ऊपर और नीचे मूव करेगा। तो चलिए गाइस मैं आपको थोड़ा रोक करके दिखाता हूँ। तो नीचे जो है इसको पहले राइट हैंड वाले को करें फिर लेफ्ट हैंड वाले को करेंगे, इसके बाद दोनों को पीछे खींचे तो बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, देखिए बाय बाय गाइस। कैसा लगा आज हमने आपको एरोप्लेन उड़ा करके दिखाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यहाँ पर आने के इच्छुक होंगे तो आइएगा कभी, बहुत ही बेहतरीन जगह है घूमने की। तो कॉकपिट में और एरोप्लेन में जो आप अभी आप लोगों ने देखा आप यहाँ कॉकपिट में भी आ सकते हैं, सब चीज़ का यहाँ पर चार्ज लगता है। ये देखिए ऊपर भी कितना सिस्टम इसमें लगा होता है। तो गाइज मेरे पेट में थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी तो मैंने भी पायलट चेंज कर दिया है, अब मैं नहीं मेरे साथ वाले सनी उड़ाएंगे। तो अभी आप देखें और ये देखिएगा, ये देखिए गाइज मैं केवल यहाँ से हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा और आप लोग देख सकते हैं ऊपर में कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितने सारे बटन हैं यहाँ पर, इसको समझना सीखना बहुत मुश्किल है। कितना मजा आ रहा है कॉकपिट में लेटने के बाद, फुल मस्ती हो रही है एरोप्लेन के अंदर।